गुड मॉर्निंग गाइस, और सब कैसे हैं दोस्त आप सब। और आज मैं आपका स्वागत करता हूं अपने न्यू ब्लॉग में। और आज माता रानी का पहला नवरात्रा है और आज तो मेरा भी बर्थडे है और आप लोगों का भी होगा। ठीक है गाइस, अब मैं आपको जाके मंदिर की तरफ मिलता हूं। गाइस निकल चुके हैं अब घर से सीधे मंदिर को, क्योंकि वो मंदिर है जो ना वो हमारे घर के नजदीक ही है, मतलब 1 किलोमीटर है। और आज मैं आपको दर्शन कराता हूँ मंदिर के, जो आज पहला नवरात्रा है माता शैलपुत्री जी का। बस पहुँचने वाले हैं गाइस, बस थोड़ा सा और है। ये आप देख सकते हो चारों तरफ की हरियाली, अब गेहूं लगा पड़ा है क्योंकि 2 दिन तो वैसी बारिश रही थी। तबाही देखिए कैसे मचा रखी है, कैसा गेहूं हो गया, देखिए लेटा हुआ गेहूं है पूरा, बिछ गया पूरा। गाइस पहुंच चुके हैं मंदिर, ये है मंदिर, गाड़ी खड़ी कर लेते हैं यहाँ को। ये है गाइस मंदिर माता रानी का, बालाजी माता मंदिर भी है। आइए चलते हैं मंदिर की तरफ, अंदर की तरफ चलते हैं। जय माता दी, कितना सुंदर मंदिर है ये। कुला ग्राम सोन पड़ता है ये, मतलब हमारे घर से थोड़ा सा उधर दूसरा गांव है कुल्हा, ये मंदिर वहां पड़ता है। माता का श्रृंगार, ये रहा माता जी का श्रृंगार। कितनी प्यारी मूर्ति है माता रानी की, सुंदर मूर्ति। अब माता रानी के दर्शन कर लेता हूँ मैं भी, क्योंकि हमारे घर के लोगों ने तो कर लिया है, अब मैं भी कर लेता हूँ माता रानी के दर्शन। गाइस अब देखिए ये माथा टेक रहे हैं, माता जी को बड़ा सुंदर सजा रखा है, आप देख सकते हैं पूरा श्रृंगार कर रखा है माता जी का। ये जो बाल गोपाल हैं इनको देखिए कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अच्छा वो डॉगी से मिलने जा रहे हैं। चलिए गाइस अब चलते हैं घर की तरफ, दर्शन कर लिए हैं हम। अब मैं जो भी घर का कार्यक्रम होगा मैं आपको कार्यक्रम दिखाता हूँ। गाइस देखिए ये फास्ट का खाना बन रहा है, ये व्रत के लिए बन रहा है, कोटू के आटे के पकौड़े, इसमें आलू नमक और मिर्ची और कोटू का आटा मिला के पकौड़े बनाए हैं जो फलाहार में आते हैं। ये हमारा रात का खाना है, ये इसका मसाला है और ये शायद कुछ बन भी गए हैं। गाइस रात को आ जाना भोग करने। और ये सादे आलू है, ये आलू के पकौड़े हैं, ये सादे आलू है जो है। और ये बन रहा है मीठा, कुछ मीठा, ये है साबुदाने की खीर, अभी इसको अभी रखा है, थोड़ा इसमें उबाला उबाला आएगा। ये हमारा रात का भोग है, पहले मंदिर में चढ़ेगा फिर उसके बाद हम अपने पेट में चढ़ाएंगे। बाकी हम आपको रात को दिखाएंगे जब व्रत खोलेंगे। गाइस अब मैं लेके चलता हूँ, अब शाम का टाइम हो चुका है और आरती भी स्टार्ट होने वाली है, चलिए अब चलते हैं। यहाँ पे आरती हमारा मंदिर है जहाँ पे, वहाँ पे आपको ले चलता हूँ मंदिर में, अब पूजा वूजा स्टार्ट हो जाएगी अब, क्योंकि अब भोग लगेगा और उसके बाद हम लोग व्रत खोलेंगे। अब आरती शुरू होने वाली है, थोड़ा सा आपको शॉर्ट दिखाता रहूंगा। और टाइम ये हो रहा है, आप टाइम आपको दिखा देता हूँ अभी कितना बज रहा है, टाइम 7 बज रहा है अभी। देखिए ये भोग वाली थाली जो माता को भेंट की जाएगी, माता कान्हा जी के लिए भी ये वाला है, मतलब सभी है, मतलब कहने का मतलब।
गाइस ये मेरी भोग वाली थाली, और ये रहा जो अलग से मैंने चढ़ाने के लिए रखा हुआ है। इसको इसको बाद में भैरव भैरव को दिया जाएगा, मतलब कुत्ते को दिया जाएगा। जय हो। आप शुरू करते हैं।